டமட்டமட்டமட்டமட்டமண்ணாதவட்டமர்வயம் चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और ये है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे आर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है आप वहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़न पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सड़जी हमारे सड़जी का नया कारनामा, बहुत कुछ तो हो ही रहा था, लिकर स्कैम से निकल नहीं पाए थे अभी तक। लिकर स्कैम में दिनेश अरोड़ा और सर्वेश मिश्रा ने ऐसा फंसाया है संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को कि वो निकल नहीं पा रहे हैं और सड़जी तक आँच पहुँचने वाली है। उसके बाद और भी मामले हैं, उसके बाद स्कूल्स का, आपके मनीष सिसोदिया वाले स्कूलों का मामला है, और उसके बाद फिर वो जो जासूसी वाला भी मामला है। ये सब तो चल ही रहे थे, दो दो मामले लेकर इस काम में, सीबीआई का अलग है, ईडी का अलग है, लेकिन सोने में सुहागा। अब एलजी साहब ने फर्जी दवाएं प्रक्योर करने के आरोप में भी सीबीआई को मामला सौंप दिया है। अब आप पूछेंगे भाई कि ये ऐसी कौन सी नई बात हो गई, ये काम तो रोज ही करते हैं, ये कुछ ना कुछ फेक काम अगर सड़जी ना करें तो फिर सड़जी का काम नहीं चलेगा। देखिए, सड़जी जो हैं वो कसम खा के आए थे। कहाँ से कसम खा के आए थे, यदि आपको याद हो कि सड़जी ने जब अपना कार्यक्रम आरंभ किया था बेवकूफ़ बनाने का, किसको? अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे को मूर्ख बनाने का जब कार्यक्रम आरंभ किया था, तब उस समय वो कहते थे कि भाई किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके वीडियो मौजूद है और आप देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सारे लोगों पर आरोप लगाने से ही अपना राजनीतिक करियर आरंभ किया था, आपको ध्यान है, वो केवल आरोप लगाते थे, शूट एंड स्कूट करते थे। धीरे धीरे लोगों ने उनके ऊपर जब मानहानि के मुकदमे करने आरंभ किए तो फिर वो फंसने लगे। और जब एक बार मानहानि के मुकदमे में अरुण जेटली साहब के ख़िलाफ़ जो मानहानि का उन्होंने की थी, उस मुकदमे में उनको जेल भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको जब ये कहा गया कि भाई बेल लो, तो उन्होंने कहा हम बेल नहीं लेते, हम गांधी जी हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, तो जब महात्मा गांधी जी बेल नहीं लेते थे तो हम क्यों बेल लेंगे। और उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया। सलाह किसने दी थी? प्रशांत भूषण ने। अब आप याद करें, 3 महीने जेल में रहे, सारे कसबल निकल गए, उसके बाद बाहर आए और फिर पहला काम ये किया कि प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को, जिन्होंने अपना एक गैंग बना रखा था आम आदमी पार्टी के भीतर, उनको दोनों को बाहर कर दिया। तो सड़जी जो है वो यूटर्न लेने में, पल्टी लगाने में, सर केवल खड़े होने में, गुलाटी खाने में, इस सब में बहुत मास्टरपीस है। ये लेटेस्ट केस क्या है? लेटेस्ट केस ये है कि भाई दवाइयों की जांच करवाई गई, दवाइयों की जांच हुई 25 जुलाई को, सैंपल लिए गए उन दवाइयों के 3-4 अस्पतालों से, एक शाहदरा में है, एक दीनदयाल उपाध्याय, एक मेरे ख्याल से राम मनोहर लोहिया, ये जो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं इनमें से सैंपल लिए गए। और सैंपल में जो लिमिट जो अलाउड है उससे कहीं अधिक दवाएं जो हैं वो फेल हुई, कह रहे हैं कि 10% से अधिक दवाएं जो हैं उसमें फेल हुई, जो कि साफ दिखाता है कि ये दवाएं जो हैं ये स्टैंडर्ड नहीं हैं। तो इसके ऊपर एलजी साहब ने जांच बिठलवा दी, किससे? सीबीआई से। उनको सीबीआई को केस कर दे दिया जाँच करने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी जो हैं वो नए नए मंत्री बने, हेल्थ मिनिस्टर बने, इसके पहले संभवतः संजय सिंह ही थे। उसके पहले भी आप याद करें कि ये सारा कार्य जो है वो हमारे केजरीवाल जी ने अनाउंस करके किया था कि भाई हमने आपके लिए, यानी जनता के लिए, उन्होंने कहा था कि भाई हमने जनता के लिए दवा दारू की व्यवस्था करवा दी है,
लोगों ने पॉइंट आउट किया तो फिर उन्होंने उसको संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके लिए दवा और दारू एक ही तरह की है। तो जब दारू वालों को ठेका दिया जाता है तो दारू वाले जो हैं वो असली शराब पी बेचते हैं, उसके साथ साथ कुछ नकली भी बेच देते हैं, गैर लाइसेंसी भी बेच देते हैं, और जो पूरा प्रोडक्शन करते हैं उसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो ब्लैक मार्केट में जाता है। ये जो धीरज साहू था जिसके यहाँ से 350 करोड़ कैश पकड़े गए, वो ऐसे ही थोड़ी था, वो इसी प्रकार था। जो भी प्रोडक्शन करता है वो जो ब्लैक में बेचता है वो सारा का सारा कैश में मामला चलता है, और वो कैश में मामला चलता है उसको इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ दारू वाले मामले में आपको पता है कि दिनेश अरोड़ा और सर्वेश मिश्रा ने पूरा का पूरा मामला खोल दिया है। दिनेश अरोड़ा जो प्राइवेट पार्टी की तरफ से पैसे लेके गए थे संजय सिंह के पास पार्टी का चंदा देने के लिए, या कहते हैं कि पार्टी के लिए पैसे लिए गए, उन्होंने वायदा माफ़ गवाह बनना कबूल कर लिया है, वायदा माफ़ गवाह वो बन गए हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई आपने पार्टी नहीं बनाया, जो काम हो रहा है उसमें तो आम आदमी पार्टी भी पार्टी बननी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना लिया। आम आदमी पार्टी के जो कुछ हैं सर्वे सर्वा हैं, कन्वीनर हैं, या जो कुछ भी जिसको बोलते हैं नेशनल कन्वीनर, वो हमारे सड़जी हैं। तो सड़जी तो उसमें अब उसकी सीमा में आ ही गए, वो तो बात हो गई पक्की। दूसरी बात यह है कि ये जो दवा वाला मामला हुआ है इसमें कौन कौन जद में आएगा? क्या केवल सौरभ भारद्वाज आएंगे, क्या केवल जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो आएंगे, या केवल जो अस्पताल हैं वो आएंगे? क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो है वो बताते हैं कि सरकारी स्तर पर हुआ है। प्रोक्योरमेंट यदि सरकारी स्तर पर हुआ है तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जाँच किसके कहने से करवाई गई, क्या इसमें कोई ब्यूरोक्रेट भी इसके अंदर जो है नपेंगे? ब्यूरोक्रेट नहीं नपेंगे तो फिर मंत्री के ऊपर आँच कैसे आएगी? अब ये संभव है कि भाई मंत्री ने कोई अलग से डील की हुई है, जितने भी मंत्री आए हैं वो कोई इस कारण नहीं आए हैं कि उन्होंने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया या जो ऑर्डर जो है उसका कोई गलत इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो इसलिए आए हैं चक्कर में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों और चाहे वो संजय सिंह हों और चाहे सत्येंद्र जैन हों, कि उन्होंने पैसे लिए, उस पैसे की ट्रेल इस्टेब्लिश्ड है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन भी मेडिकल बेल पे ही बाहर हैं। तो जब इनको जमानत नहीं मिल रही पूरे प्रयास करने के उपरांत भी, तो इसका अर्थ तो यह स्पष्ट है कि भाई प्राइमा फेसी केस है। अभी संजय सिंह के मामले में बोल भी दिया कोर्ट ने कि भाई इसमें तो प्राइमा फेसी केस बनता है, तो इसमें जो है हम कैसे इनको जमानत दे दें? तो सर्टिफिकेट जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। कल बोल रही थी इनकी प्रियंका कक्कड़, जो इनकी स्पोक्समैन है, वो बोल रही थी कि साहब तीनों के पास से 54 भी बरामद नहीं हुई है। अरे भाई इतनी बार जो है सीबीआई ने और ईडी ने अलग अलग समय समन करके बुलाया है मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को, तो भाई नेता हैं, इतनी बुद्धि तो उनमें ये होती है कि जो कुछ भी आपके पास कैश इत्यादि हो, ज्वेलरी इत्यादि हो, उसको अपने कम से कम जहाँ तुम रहते हो वहाँ नहीं रखो। तो ये जो कहना कि साहब 54 तक बरामद नहीं हुई है, ये तो बात बिल्कुल बेकार की है, इसका कोई सर पैर है नहीं। प्रश्न ये है कि क्या वायदा माफ गवाह उत्पन्न हैं? प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने घोषित रूप से और स्वीकृत रूप से पैसे खुर्द बुर्द किए? क्या उन्होंने अपने घोषित रूप से क्या उन्होंने पैसे सरकार को या केजरीवाल सरकार को या केजरीवाल के एजेंट्स को दिए? ये तो लगभग इस्टेब्लिश हो चुका है। अब दवाइयों का मामला आ गया, दवाइयों का मामला आ गया वो और भी गंभीर बनेगा। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा था कि इसका ऑडिट करवाया जाए। भाई आपने चीफ सेक्रेटरी से कहा था इसका ऑडिट करवाया जाए, वो बात ठीक है, लेकिन आपने जहां पर भी फाइल पे इनकी जो परचेज अप्रूव की है
उसके जो डिसीशंस या डायरेक्शंस हैं उनमें आपका कोई हाथ था या नहीं था, ये तो भाई जांच करने के बाद ही पता चलेगा। ये बातें तो जांच के उपरांत ही पता चल पाती हैं, वैसे पता चलती नहीं है। इसलिए जांच हो रही है, अब सीबीआई की जांच हो रही है, इंटरनल जांच तो अब उसका समय नहीं रहा। अब सीबीआई की जांच हो के फिर दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, तब हमारे सरजी का एक और विकेट गिर जाएगा। और वैसे भी एक विकेट में स्टंप तो तीन ही होते हैं, अगर आप रनआउट किसी को करना है तो उन तीन स्टंप्स में ही किसी पे लगेगी तभी तो वो रनआउट होगा। अब साहब सोचते हैं, यानी कि हमारे केजरीवाल साहब सोचते हैं कि भाई वो जो है वो निशाने से दूर हैं, वो निशाने की परिधि से बाहर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब आपको तीन तीन समन्स जा चुके हैं, दो समन्स आपने इग्नोर किए और तीसरा आप इग्नोर करने की तैयारी में हैं। तीसरा यदि आप इग्नोर करेंगे तो भाई आपको बहुत जोर का झटका धीरे से लगने की पूरी संभावना है। इसलिए भाई सड़जी जो हैं लगातार दिन दूने रात चौगने अपनी स्पीड से चले जा रहे हैं और नए नए घोटालों में फंसते जा रहे हैं। देखते जाइए क्या होता है आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।